तो मानती हूँ पुजारी भागीदार है। नहीं, पुजारी कैसे भागीदार? विकास के नाम पे सिर्फ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आज विश्व काशी को बैंकॉक बना कर रख दे उन लोगों ने। सीता माता की रसोई को उन्होंने तोड़ दिया, हनुमान मंदिर को, उस मंदिर को तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना दिया, अवैध नहीं है। कौन कब्जा किया आपके मंदिरों पे? सरकार ने किया है। हमारे मंदिर मस्जिद को अपने कंट्रोल से सरकार छोड़ दे। हिंदू समाज अपने बच्चों को शास्त्र के बारे में, ग्रंथ के बारे में ये सब कोई नहीं पढ़ाता है, ना गुरुकुल बच्चे मंदिर में चढ़ावा देते, वो हम अपने धर्म के उत्थान के लिए देते हैं। पुजारी के पास पैसा नहीं जाता, सरकार के पास जाता है। कभी गुरुद्वारे गई हैं, कितना साफ सुथरा आपको दिखाई देता है, बहुत से लोग वहाँ पे सेवा कर रहे होते हैं, लेकिन मंदिर में क्यों नहीं करते हैं? जब सरकार सब जगह से टैक्स ले रही है तो हमारे मंदिरों पे कब्जा क्यों? नमस्कार, मैं प्रियंका, आप देख रहे हैं जनहित आवाज। इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ। आपने तमाम प्रदर्शन देखे होंगे, युवाओं के, बेरोजगारों के, लेकिन आज मंदिर के जो पुजारी हैं, भक्त हैं, वही जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। आप साफ तौर पे देख पाए होंगे मोदी जी 2014 में बारीदारों से किया गया वादा पूरा करो, तमाम चीज़ें हैं जो ये लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी जो वादे किए थे उसको पूरा करो। हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मांग है इनकी, आप जंतर मंतर पे क्यों आए? हमारे मंदिरों को मुक्त करवाने के लिए, हिंदू मंदिरों को सरकारी कंट्रोल से मुक्त करवाने के लिए जंतर मंतर पे आए। जितने भी मंदिर है, 4 लाख मंदिर लगभग सरकारी कंट्रोल में है, उनको सरकारी नियंत्रण से मुक्त करवाना है। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि मंदिरों का पैसा जो है सरकार ले रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे मंदिर मस्जिद को अपने कंट्रोल से सरकार छोड़ दे, और आर्टिकल 30 जो ये कहता है कि हिंदू समाज अपने शास्त्र के बारे में अपना गुरुकुल नहीं खोल सकता, शास्त्र के धर्म की पढ़ाई नहीं करवा सकता, वो आर्टिकल 30 खत्म करे। हमारी सरकार आएगी, हमारी पार्टी की सरकार आएगी, तो हम सबसे पहला काम करेंगे आर्टिकल 30 खत्म करेंगे, जिससे कि हिंदुओं को अपने धर्म के बारे में प्रचार प्रसार पढ़ाने का राइट मिलेगा। अभी आप हिंदू को छोड़ के सभी समाज को ये राइट है, वो अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, लेकिन हिंदू समाज अपने बच्चों को शास्त्र के बारे में, ग्रंथ के बारे में ये सब कोई नहीं पढ़ाता है, ना गुरुकुल बच्चे। आप देखिए गुरुकुल कितना हुआ करता था, जिस जमाने में पूरी दुनिया में कोई स्कूल नहीं था। क्या इस वक्त गुरुकुल की जरूरत है, जहाँ पे टेक्नोलॉजी आ गया है, तमाम विज्ञान और तमाम चीजें आ गई, इस वक्त में क्या इसकी जरूरत है? आपको क्या लगता है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई तो स्कूल की जरूरत है? पढ़ाई हो सकता है घर पे? बिना स्कूल के घर पे मोबाइल पे पढ़ाई हो सकता है? स्कूल की भी जरूरत नहीं है, फिर तो कॉलेजेस की भी जरूरत नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई के तरीके से होगी ना, मोबाइल पे नहीं होगा। मोबाइल पे पढ़ाई के अलावा आप देख सकते हैं गेम आ रहा है, गेम से कितने बच्चे कहाँ कहाँ जा रहे हैं, आप न्यूज़ में ले रहते हैं। आपने अभी रिसेंटली वहाँ का न्यूज़ देखा होगा, फरीदाबाद का एक बच्चा कैसे फंसा था ट्रैप में। और भी बहुत सारी चीज़ें जो पैसे के जरिए मोबाइल से फ्रॉड होते हैं, तो हर चीज़ मोबाइल से और टेक्नोलॉजी से नहीं किया जा सकता। अब इस सरकार ने, जब से सरकार आई है, विकास के नाम पे सिर्फ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। आज विश्व काशी को बैंकॉक बना कर रख दिया उन लोगों ने, गोवा बना कर रख दिया उन लोगों ने, ठीक है ना। हमारे इतने सारे मंदिर तोड़े गया है, कर्नाटक में करीब इन्होंने टारगेट रखा था, जो अवैध निर्माण था, अवैध जगह पे मंदिरें बनी है, उसको सरकार तोड़ी है। अवैध, हजारों साल से वहाँ मंदिर बने हुए थे, वो क्या अवैध है क्या? हजारों साल से बने, उन सब सारे मंदिरों को तोड़ दिया उन्होंने। अयोध्या में सीता माता की रसोई को उन्होंने तोड़ दिया, हनुमान मंदिर को तोड़ दिया, भगवान राम के जो कुल देवता थे उस मंदिर को तोड़ दिया बीजेपी वालों ने। आप कह रहे हैं कि इन्होंने कोई मंदिर तोड़ दिया? आजादपुर फ्लाईओवर पे वो जो मजार बनी हुई है वो अवैध नहीं है। फ्लाईओवर पहले आया था, मजार पहले आई थी। फ्लाईओवर के ऊपर मजार बना दी, वो अवैध नहीं है। आप अपना घर बना लो जाके। वहाँ कैमरे पे बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? मस्जिदें जो बनी है, क्या वो सरकारी कब्जे पे नहीं बनी हुई है? मस्जिद के खिलाफ है? मस्जिद अगर हिंदुओं को तोड़ा जा रहा है तो मस्जिदों को क्यों नहीं तोड़ा जाना चाहिए जो अवैध बनी हुई है? आप कह रहे हैं मंदिर के बारे में सवाल मंदिर के बारे में सवाल पूछो, हमारे मंदिर छोड़ो सारे के सारे, बस बात खत्म। कौन कब्जा किया आपके मंदिरों पे? सरकार ने किया। अभी मंदिरों में धामी सरकार ने लगभग 100 मंदिरों का टेकओवर कर लिया है, तो हिंदुओं की आस्था के केंद्र है, उसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं। हम नहीं कह रहे हैं कि आप मस्जिदों का टेकओवर करो, दरगाह का टेकओवर करो, लेकिन हमारे मंदिरों को छोड़ दो।
हिंदू अपने मंदिरों का अगर चढ़ावा दे सकते हैं तो उसका मेंटेनेंस भी कर सकते हैं, उसकी आस्था का केंद्र है। आप कह रहे हैं कि मंदिरों का, हम उनको नहीं कह रहे कि आप मस्जिदों का टेकओवर करो, चर्चों का टेकओवर करो, बस हमारे मंदिर छोड़ दो। मंदिर, अगर हमारे मंदिर फ्री होंगे तो हमारे लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों फ्री होगा। हम गवर्नमेंट का ही हेल्प होगा इस, हम ये चाहते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप जिस पर, किस बारे में? अरे सर, सवाल तो लेने दीजिए। हाँ, बताइए सवाल, बताइए। जो आप कह रहे हैं कि सरकार पैसे नहीं लेगी, तो आप लोग किस तरह से डेकोरम मेंटेन करेंगे? हम कर लेंगे। हर एक मंदिर में एक ट्रस्ट होता है, ट्रस्टी होते हैं, उनके मेंबर होते हैं, सारे वो मैनेज करेंगे। उसके ऊपर हम एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाएंगे सरकार के तरफ से, जो सिर्फ मॉनिटर करेगी, अपना कुछ भी उनका अधिकार नहीं होगा, सिर्फ मॉनिटर करेगी। अगर कहीं कोई गलत होगा तो उस हिसाब से उस टीम पे एक्शन लिया जाएगा। अगर जिस प्रकार से मंदिरों का ट्रस्ट सरकार लेती है, उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं सरकार देखती है, तो क्या सारा पैसा खा जाती है? कौन खा जाता है? सरकार खा जाती है। 1,00,000,00,000 रुपया हर साल खाती है। तिरुपति मंदिर में 3,500 करोड़ रुपए के चढ़ावे में से 5% मंदिर पे खर्च होता है, सारा बाकी सरकार खाती है। मंदिर का पैसा आपके हिसाब से कहाँ यूज होना चाहिए, आप बताइए? मंदिरों का चढ़ावा का पैसा कहाँ यूज होना चाहिए आपके हिसाब से, आप बताइए? नहीं, ये बताएंगे, आप बताइए मंदिर के पैसे कहाँ यूज होना चाहिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आम जनमानस के लिए, आम जनमानस के लिए क्यों खर्च होना चाहिए? अगर आम जनमानस के लिए सरकार पैसे, टैक्स ले रही है ना, टैक्स आम जनमानस के ऊपर खर्च, पब्लिक वेलफेयर पे खर्च करने के लिए है। लेकिन जो हम मंदिर में चढ़ावा देते हैं वो हम अपने धर्म के उत्थान के लिए देते हैं, ना कि हम सरकार के लिए या आम जनमानस के लिए देते हैं। आप किस लिए आप दान देते हैं? आप मंदिर में दान किस लिए देते हैं, आप बताइए? हिंदू हो? जी हिंदू हूं, बताइए। आप हिंदू हो ना, तो आप बताओ, मंदिर जाते हो? जी जाते हूं। आप चढ़ावा देते हो? जी देते। तो आप किस लिए देते हो थोड़ा? मैं तो भगवान के लिए देती हूँ। भगवान को मतलब क्या है? मैं भगवान को देके आती हूँ, अब पता नहीं कौन ले जाता है। हाँ, तो जब कोई आपको ये नहीं पता कि कौन ले जाता है, तो अगर आपके पैसे का दुरुपयोग होगा तो उसमें आप भी भागीदार होंगे, क्योंकि आप जो है ना, और लोग, मैं तो मानती हूँ पुजारी भागीदार है। नहीं, पुजारी कैसे भागीदार? पुजारी किसने दिया, कह दिया? कंट्रोल किसके पास में है? पुजारी को कौन सिर्फ क्लास 4 से भी बुरी हालत है। किसी भी मंदिर में जाके देखो, पुजारी के पास पैसा नहीं जाता, सरकार के पास जाता है। आप अगर पुजारी के हाथ में देते हो, तब दो पुजारी के हाथ में दो जाके पैसे, क्या कहेंगे आप? पुजारी के पास अपना जीवन निर्वाह करने के पैसे ही नहीं है। आप किसी भी मंदिर में जाइए और उनकी हालत देखिए, उनके बच्चे जो है, पुजारियों के बच्चे किसी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ रहे, कोई प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ रहा, सबके सब उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाए हुए। कोई ऐसा हाल नहीं है उनका कि बहुत मजे से जी रहे हैं। यही आप दूसरे धर्म में किसी के देख लीजिए, आप कभी गुरुद्वारे गए हैं? कितना साफ सुथरा आपको दिखाई देता है, बहुत से लोग वहाँ पर सेवा कर रहे होते हैं। लेकिन मंदिर में क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मंदिर का जो पैसा होता है वो सारा का सारा सरकार रख लेती है। 70-80% जो होती है वो गवर्नमेंट रख लेती है। अगर गवर्नमेंट 80% रख लेगी तो जो मंदिर है, मंदिर का विकास कैसे होगा? मंदिर से अगर आप देखो, आपको मंदिर चाहिए या स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी चाहिए? तो मैडम, आप हमारे मंदिर दो ना, मंदिर हमारे, हम कर लेंगे अपने आप ही, हमारी क्या जरूरत है? हमें सरकार कौन टैक्स दे रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि सरकार कौन टैक्स नहीं देते। आज अगर मैं 1 रुपया भी कमाता हूँ तो सरकार उस पर टैक्स लेती है ना। मैं कहीं बाहर कुछ खाने जाता हूँ, मैं पिज्जा खाने जाता हूँ, तो सरकार उस पर टैक्स लेती है। मैं किसी महंगे रेस्टोरेंट जाता हूँ तो उस पर टैक्स लेती है। तो जब सरकार सब जगह से टैक्स ले रही है, तो हमारे मंदिरों पर कब्जा क्यों है? और अगर कब्जा है तो आप ये देखिए ना, तो कब्जा सिर्फ एक कम्युनिटी का क्यों है? हमारे पास भी अगर आप आर्टिकल 25 और 26 के बारे में पढ़ेंगे, जानते हैं, तो सबको, सबके अपनी अपनी प्रैक्टिस, अपने अपने समुदायों की, अपने अपने धर्म को, अपने रिलीजन की प्रैक्टिस करने का अधिकार है। तो हमारे को क्यों नहीं है? हमें भी होना चाहिए। राइट टू इक्वालिटी, आपको पता है आर्टिकल 14 और 18 के बीच में जो आर्टिकल है, ये भी ये कहता है राइट टू इक्वालिटी है। तो सब सबके साथ है, हम अपनी इक्वालिटी की मांग कर रहे हैं। जब सबको ये अधिकार दिया है तो हमें भी अधिकार दें, बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं कहना। तो आप लोग देख पाए होंगे, गले में पीला गमछा है और गले में रुद्राक्ष है। तमाम लोग यहाँ पे पूरे भारत भर से एकजुट हुए हैं और इनका कहना है कि जो मंदिरों का पैसा है इन्हें ही मिलना चाहिए, जो सरकार टैक्स के रूप में खाती है पैसा वो ये नहीं देना चाहते। इस खबर पे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर